हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। इस वीडियो में हम जो प्रॉब्लम है सेक्सुअल थॉट्स की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जूझ रहे होते हैं। एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहे हैं और जिस तरीके से उम्र बढ़ती जाती है, उस तरीके से ये प्रॉब्लम और भी बढ़ती जाती है। एंशियंट टाइम्स में जब गुरुकुल होते थे, तब बच्चों को 13 साल की उम्र से ही गुरुकुल में लाया जाता था, जंगलों में रखा जाता था, पेड़ पौधों के बीच में रखा जाता था, पशु पक्षियों के बीच में रखा जाता था, ताकि वो प्रकृति के साथ रहे और कहीं और उनका ध्यान नहीं भटके। लेकिन आज जिस तरीके से हम सोसाइटी में रह रहे हैं, जो आपके पास डाटा फ्री फ़ोन आपके पास है ही, अनलिमिटेड नेट में आप जैसे जाए जहाँ चाहे सर्फ कर सकते हैं, तो इसी के साथ जो प्रॉब्लम शुरू होती है वो होती है सेक्सुअल थॉट्स की, सेक्सुअल एनर्जी की। अब इसके बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि सेक्सुअल थॉट्स आते कैसे हैं, कैसे भी आ सकते हैं। आप अगर इनके एडिक्शन भी नहीं है आपका इसका, लेकिन आप फिर भी अगर कोई वेबसाइट वगैरह चलाते हैं, कोई आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, आप कोई आप वेबसाइट पे कुछ देख रहे होते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट्स में आपको जो है ऐसी चीज़ें दिख जाती हैं जिसकी वजह से आपको जो है सेक्सुअल थॉट्स आपके दिमाग में आने लगते हैं। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हमको किसी न किसी वजह से ये सेक्सुअल थॉट्स आ ही जाते हैं। और जिस तरीके से मैंने कहा अगेन कि डाटा फ्री है, तो कहीं भी जो है आपको ऐसी चीज़ें, आप इंस्टाग्राम देख लीजिए, इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है, इंस्टाग्राम पे कैपिटलिज्म जिस तरीके से चल रहा है, मतलब आपको जहाँ मॉडल्स की फ़ोटोज़ नज़र आएंगी, जो हीरो हैं, जो हीरोइंस हैं, जिनकी एक्ट्रेसेस हैं, इनकी फ़ोटोज़ वगैरह नज़र आएंगी, तो आप जो है इनको देख के भी आपके अंदर जो है एक तरीके से वो एनर्जी आने लग जाती है। तो ये प्रॉब्लम उन एक्ट्रेस के साथ या एक्ट्रेस के साथ नहीं है, वो प्रॉब्लम आपके साथ है। और ये प्रॉब्लम शुरू ऐसे होती है और बढ़ती बढ़ती एक एडिक्शन बन जाती है। वो एडिक्शन इस तरीके से होता है कि आपको भी पता है कि इसकी वजह से जो है आप काफ़ी परेशान भी हो जाते हैं। थोड़ा बहुत जो शॉर्ट टर्म प्लेजर आपको मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पेन इसके लिए क्रिएट हो जाता है। और जिसका टाइम वेस्ट होता है इसके ज़रिए, वो टाइम जो है दोबारा नहीं आ सकता। हर चीज़ जो है वापस आ सकती है, लेकिन टाइम जो है दोबारा नहीं आ सकता। अब बेसिकली मैं आपको फंडे क्लियर कर दूं कि सेक्सुअल थॉट्स आते हैं तो हम इनकी तरफ अट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं। भाई थॉट्स तो दुनिया में हज़ारों चीज़ें ना, दुनिया में कई तरह की एक्टिविटीज़ हैं, कई तरह की चीज़ें हैं, तो ये थॉट्स में काफ़ी इतने लोग अट्रैक्टिव क्यों होते हैं, क्यों ये इंसान के दिमाग को घेर लेते हैं, क्यों ये इंसान को काबू में कर लेते हैं। देखो, जो भी एक्टिविटी, ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जो भी एक्टिविटी स्टॉप्स योर माइंड, वॉट एवर एक्टिविटी स्टॉप्स योर माइंड, इट गिव्स यू द इंजॉयमेंट। जो भी एक्टिविटी या जो भी काम जो आपके दिमाग को शांत कर देता है, सबकॉन्शियस माइंड जिसको मैं बोलता हूँ, जो आपके थॉट्स को रोक देता है, वो आपको इन्जॉयमेंट देता है। डांस करते हो आप, जब आप हंसते हो, जब आप मूवी देखते हो, और सेक्सुअल एक्ट की बात कर लो आप, सेक्स की बात कर लो आप, ऐसी एक्टिविटीज़ आप देखो, जब आप टेस्टी खाना खाते हो तब कितना मज़ा आता है, तब आपका दिमाग रुक जाता है। तो जो भी फिर आपके, ये तो सेक्सुअल थॉट्स वाली प्रॉब्लम बहुतों के साथ है। एक प्रॉब्लम है खाने की भी, जो भी बहुत लोगों के साथ है कि उनके दिमाग में जो है खाना हर बार आता रहता है, टेस्टी खाना, स्वाद चाहिए उनको, तो स्वाद जो है उनको मज़ा क्यों आया, क्योंकि वो खाने से उनके दिमाग में जो एक्टिविटी रुक गई और उससे उनको इन्जॉयमेंट मिला। तो ऐसी तो दुनिया में हज़ारों चीज़ें हैं ना भाई, शराब भी है, डांसिंग बोला मैंने, दोस्तों के साथ आप हंसते हो, नाचते हो, एडवेंचरस ट्रिप में जाते हो, तो आपके सेक्सुअल थॉट्स रुक जाते हैं। थॉट्स क्या, सेक्सुअल क्या, आपके तो सारे जो थॉट्स होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड आपका रुक जाता है, तो आपको इन्जॉयमेंट मिलती है। लेकिन आप हर दिन तो एडवेंचरस ट्रिप नहीं कर सकते, हर दिन तो आप मूवी देखने नहीं जा सकते, हर दिन तो दोस्तों के साथ मिलकर हंस नहीं सकते, हर दिन तो डांस नहीं कर सकते, हर दिन तो आप रेस्टोरेंट में जाके अच्छा खाना नहीं खा सकते। तो जो एक चीज़ जो आपके लिए सबसे सस्ते में ईजीली बिना किसी मदद से आप पूरा कर सकते हो, वो है सेक्सुअल एनर्जी वाला खेल। आप
केवल आपको डाटा चाहिए, फ़ोन चाहिए, और आप जो है सेक्सुअल थॉट्स के जरिए आप जो है ये डर्टी वेबसाइट सर्व करेंगे और जो है पूरा ये गेम स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे और उसके बावजूद जो है आपके दिमाग को पता है कि आप गलत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये आपका दिमाग करवाएगा आपको, और उसके बाद आप पछताएंगे, रिग्रेट करेंगे ऐसा मैंने क्यों किया, और अगले दिन वापस ये गेम शुरू हो जाएगा। और ये साइकिल चलते 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 आप एक दिन के जरिए एक दिन बर्बाद करते हैं तो महीनों में बदल जाता है, महीने बर्बाद करते करते साल बर्बाद हो जाते हैं और फिर ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। यहाँ पर मैं सेक्सुअल थॉट्स को ब्लेम नहीं कर रहा कि ये नहीं आने चाहिए, ये प्रकृति है, ये नेचर है, बॉडी हमारी इस तरीके से काम करती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि काम कैसे करता है। जो सेक्सुअल थॉट्स है वो इसलिए आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं क्योंकि ना कोई ज़्यादा खर्चा, आपको इजीली अवेलेबल है। तो इन एक्टिविटीज़ में सबसे प्यारी चीज़ आपको यही लगती है क्योंकि ये आपको जो है आराम से वो शॉर्ट टर्म में इन्फ्लुएंस, वो शॉर्ट टर्म में इन्जॉयमेंट दे सकती है जो आपको कोई एक्टिविटी नहीं दे सकती। आगे बढ़ते हैं सेक्सुअल एनर्जी की तरफ। जब भी थॉट्स आते हैं तो जैसे मैं बोलूँ आपको कि जब आपके दिमाग में थॉट आया तो थॉट तो आते हैं चले जाते हैं, मौसम है, सर्दी आई, गर्मी गई, गर्मी आई, गर्मी गई, तो ये भी मौसम की तरह होते हैं विचार अपने दिमाग में। लेकिन सेक्सुअल थॉट्स को जो पकड़ लेते हैं अपन, जो तुम्हारे दिमाग में घेर लेती हैं ये चीज़ें, ये क्या है, ये सेक्सुअल एनर्जी है। एनर्जी, अब आपको पता है एनर्जी ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, एनर्जी फ्लो होती है। आपके शरीर में जो एनर्जी है वो आपके ऊपर आप कहाँ लेना लेके जाना चाहते हो, आप पढ़ाई में लगाना चाहते हो, आप स्पोर्ट्स में लगाना चाहते हो, आप डिबेट में लगाना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, आप मूवी देखना चाहते हो, कहीं भी आप जो एनर्जी लगाओगे वो एनर्जी वहाँ फ्लो होगी। सेक्सुअल थॉट जब आपके दिमाग में आते हैं तो एक चीज़ जो ये सबसे खतरनाक चीज़ यहाँ पे होती है वो है सेंसेस एक्टिव हो जाते हैं। सेंसेस, आपके जो फाइव सेंसेस हैं और आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और जैसे ही आपके सेंसेस एक्टिव हुए और जैसे ही सेक्सुअल थॉट्स ने आपके सेंसेस को पकड़ा, सारी एनर्जी जो आपके शरीर में थी सेंसेस के जरिए थॉट्स में जाने लग जाती है। थॉट्स, फिर एनर्जी, फिर वो एक्शन में तब्दील हो जाता है, फिर आप जो है मास्टरबेशन करते हैं, फिर इनकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें सामने आती हैं। और ये जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ये केवल मैं सेक्स की बात नहीं कर रहा, ये आप जब आप गंदा खाना खाते हैं बाहर का, जो फास्ट फूड खाते हैं, गंदा ही मैं उसको बोलूँगा क्योंकि पता है कि ये शरीर में जाके आपके नुकसान करेगा। मोमोज शरीर में जाके आपके नुकसान करेंगे, इनकी चटनी जो मिर्ची जो होती है ख़तरनाक, स्पाइसी जो फूड होते हैं, लेकिन फिर भी आप खाते हैं, क्यों? क्योंकि आपका जो यहाँ टेस्ट वाला जो सेंस है वो एक्टिव है, और ये एक्टिव हो गया तो एनर्जी फिर उसी दिशा में जाती है, उसी थॉट की तरफ जाती है, और थॉट इतना एक्टिव हो जाता है कि आपके दिमाग पे वो कब्जा कर लेता है। ये चीज़ हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं बेसिक क्लियर कर दूं कि एनर्जी जब सेक्सुअल थॉट में गई तो एक्टिव हो गया, इस तरीके से एनर्जी फ्लो होती है क्योंकि आपके सेंसरी ऑर्गन्स एक्टिव हो गए। भाई आपको पढ़ने में मज़ा क्यों नहीं आता? आपको मूवी देखने में मज़ा आता है, डांस करवा लो, आपको ट्रिप पे ले जाओ, मूवी दिखवा लो, कुछ भी कर लो, आपको कॉमेडी वीडियोस दिखा लो, आपको पढ़ने में मज़ा क्यों नहीं आता? क्योंकि पढ़ने में आपके सेंसेस एक्टिव नहीं होते। मुझे बताओ पढ़ने में आपका कौन सा सेंस है जो आपका अटैच होता है पढ़ने के साथ? आप खाना खाते हो, आपका टेस्ट होता है, आप मूवी देखते हो, आपकी जो विजन है, जो आपकी आईज है, वो सेंस जो है एक्टिव होता है। पढ़ने में कौन सा सेंस है जो आपका अटैच होता है? कोई सा भी नहीं। तो कोई भी जो एनर्जी है वो सेंसेस के जरिए पढ़ाई में जाती नहीं है, इससे आपका मन भी नहीं लगता। तो जब एनर्जी पढ़ाई में फ्लो नहीं हो रही तो मन कैसे लगेगा? और जब वो थॉट आया, सेक्सुअल थॉट आपके दिमाग में, जब आपको कोई भी चीज़ ऐसी दिखी, कोई भी आपको वेबसाइट पे कुछ दिखा, इंस्टाग्राम पे दिखा, तो एनर्जी वहाँ फ्लो स्टार्ट होने लग गई। और एनर्जी इस तरीके से फ्लो होती है अंदर ही अंदर कि आपको पता नहीं चलता, और वो इतनी एक्टिव हो जाती है कि आपको बस ट्रिगर चाहिए। किसी ने इंस्टाग्राम पे किसी मॉडल ने ऐसी फोटो डाली, बस ट्रिगर हुआ और आप फिर एक्टिव हो गए। तो ब्लेम यहाँ पे सारा एनर्जी फ्लो का है। तो एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय तो कर नहीं सकते, आप सप्रेस तो कर नहीं सकते। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो सप्रेस करने की कोशिश करते हैं उसको, वो खुद को जो है मोटिवेशन देने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, गंदा काम है, और मतलब ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे कुछ से कुछ नहीं होता। एनर्जी को जब आप सप्रेस करोगे, एनर्जी तो फ्लो होगी, एनर्जी ना क्रिएट होती ना डिस्ट्रॉय होती, एनर्जी कहीं ना कहीं से तो निकलेगी भैया। एनर्जी आपको लग रहा है, इल्यूजन है कि आपने उस चीज़ को सप्रेस कर दिया, आज नहीं तो कल वो दोबारा लौट के आएगा। तो एनर्जी को हम फ्लो कर सकते हैं, एनर्जी को हम जो है कहीं और से निकाल सकते हैं। अब कैसे? तीन चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ आपको, तीन चीज़ें जिसकी वजह से आप एनर्जी कहीं और फ्लो कर सकते हैं।
आप स्वामी विवेकानंद को देख लीजिए, निकोला टेस्ला को देख लीजिए, या किसी को भी देख लीजिए, उन्होंने हमेशा एनर्जी फ्लो की बात की है। ओशो के बारे में आप पढ़ेंगे, सदगुरु के बारे में आप पढ़िए, वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि एनर्जी फ्लो करना ज़रूरी है, एनर्जी का फ्लो जो है ज़रूरी है। और एनर्जी जो है वो आप अपने मन से कैसे फ्लो करेंगे? भाई मेरी, अगर मुझे पता है मेरे शरीर में जो एनर्जी है, मैं चाहता हूँ कि सेक्सुअल थॉट्स में नहीं है, कहीं और जाए, पढ़ाई में जाए। अब पढ़ाई में तो मन ही नहीं लग रहा, फिर एनर्जी कैसे फ्लो होगी? पढ़ाई में तो हमारे सेंसेस अटैच ही नहीं हो रहे ना। तो कोशिश ये कीजिए कि सबसे पहले तो एनर्जी को इस तरीके से फ्लो करवाइए जो सबसे आसान चीज़ हो। जैसे आप जिम स्टार्ट कीजिए, जिम जाइए, जहाँ पे म्यूज़िक वगैरह चल रहा हो अच्छा, वहाँ पे आपको अच्छा भी लगेगा, अच्छा फील भी होएगा, वहाँ पे एनर्जी को आप जो है यूटिलाइज कीजिए, बहुत इंटेंसिव तरीके से कीजिए। आप कभी भी देख लेना कि जब आप एनर्जी का यूज करके आओगे, जिम से इंटेंस एक्सरसाइज करके आओगे, कितनी ही आपको मैं वेबसाइट दिखा दूँ ऐसी, कितनी ही आपको जो है मैं ऐसे इंस्टाग्राम पर मॉडल्स की फ़ोटो दिखा दूँ, आपका दिमाग उस तरफ जाएगा ही नहीं, क्योंकि आपकी एनर्जी गई, यूटिलाइज हो चुकी। जब तक जब आपके दिमाग में एनर्जी है ही नहीं, जब आपके दिमाग में, जब आपके शरीर में एनर्जी है ही नहीं, तो सेक्सुअल थॉट एक्टिव ही नहीं होता। थॉट आता है लेकिन उसमें एक्शन ही नहीं होता, आपके सेंसरी ऑर्गन्स एक्टिव ही नहीं होते, क्योंकि एनर्जी यूटिलाइज हो चुकी। सबसे ईजीएस्ट चीज़ जिम कर लो, घर में कर लो, इंटेंस, शरीर तड़प उठे एक बार तो कि यार बस अब नहीं। ये जब आप कर लोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ, और आसान तो नहीं है जिम का, भाई जिम करना किसको अच्छा लगता है? तो या तो दो चॉइस है, या तो आप जिम ही कर लो, या फिर ये सेक्सुअल थॉट्स के जरिए आप गंदे काम कर लो। तो जिम करोगे या फिर एक्सरसाइज करोगे तो आपके सेक्सुअल थॉट्स नहीं आएंगे, और पढ़ाई में आपका मन बहुत तेज़ी से लगेगा, क्योंकि आप कॉन्शियसनेस आ जाएगी, अवेयरनेस आपकी बढ़ेगी, और मैं आपको उसके बारे में आगे बताऊँगा। दूसरा ऑप्शन है मेडिटेशन। जैसे जैसे हम स्टेप्स के बारे में बताता जाऊँगा, वो इतने ही डिफिकल्ट और उतने ही जो है लॉन्ग टर्म में फ़ायदे करने वाले हैं। मेडिटेशन आसान नहीं है, मेडिटेशन जो है, मेडिटेशन क्या है, मैं कोई ज्ञान नहीं दूंगा मेडिटेशन पे आपको, मेडिटेशन मैं सिंपल बता देता हूँ। देखो मेडिटेशन आप कैसे कर सकते हो, आप जो अपने सांस होती है, ब्रीथ जो होती है, आप उसको महसूस कर सकते हो। आप जो दोनों नोस्ट्रिल्स है, जो नाक के आपके छिद्र है नोस्ट्रिल्स, उनमें से सांस जो आ रही है जा रही है उसको आप फील कर सकते हो, फील कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि आपका माइंड जो है काम हो जाता है। जो ब्रीथिंग पैटर्न है, आप कभी भी देख लो कि आप जब हंसते हो तो आपकी ब्रीथिंग पैटर्न में चेंज आ जाता है। जो आप गुस्सा में होते हो तो आपका ब्रीथिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। आप जब आप दौड़ते हो तो आपका ब्रीथिंग पैटर्न चेंज हो, जब आप रोते हो, जब आप काम होते हो तो आपका ब्रीथिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। और जब आप, यानी जो आपका ब्रीथिंग पैटर्न है वो बताता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, या आपका किस अवस्था में, किस फीलिंग में आपके शरीर में है। तो जब आप मेडिटेशन करते हो तब आपको अपनी ब्रीथ में पकड़ आ जाती है, तब आप ब्रीथ को महसूस कर सकते हो। और जब ब्रीथ को आप महसूस करते हो तो काम होती जाती है। जितना ज़्यादा आप सांस को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, उतना ही ज़्यादा वो काम होती जाएगी, उतना ही ज़्यादा वो गहराई से आती जाएगी। और गहराई जब से जब सांस आती है तो आपके जो थॉट्स आएंगे सेक्सुअल, उनमें एनर्जी जाएगी नहीं, क्योंकि आप अभी काम हो, अभी आप ठंडे हो, अभी आपका दिमाग पे आपका कंट्रोल है, क्योंकि आप अभी ऑब्जर्व कर रहे हो। जब आप फोकस करके रखते हो ना, तब आपका दिमाग कहीं और नहीं भागेगा। ये दूसरी चीज है मेडिटेशन की। तीसरी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस। ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, ये आपको शॉर्ट टर्म में आपको नहीं आएगी, काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन इसका इफेक्ट ऐसा है कि सेक्सुअल थॉट छोड़ो, आपको आपकी जो फास्ट फूड खाने की आदत है, मूवी देखने की आदत है, या ड्रग एडिक्शन है, यह सब छूट जाएगा। ये कैसे होएगा? कॉन्शियसनेस कैसे आगे बढ़ेगी, अवेयरनेस कैसे आएगी? देखो स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलोगे, अगर आप मेडिटेशन करते हो, या पहले जिम कर लो, मेडिटेशन स्टार्ट कर दो, या फिर आपका धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ जाएगी, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप ये चलना पड़ेगा आपको। अवेयरनेस बढ़ाने के लिए जब आप मेडिटेशन करोगे तब आपको अपनी ब्रीथ पे जैसी पकड़ आ जाएगी, आपको अपनी श्वास पे अगर पकड़ आ गया तो आप अपने थॉट्स पे पकड़ने लग जाओगे। आपको, आप कभी भी सेक्सुअल थॉट आपके दिमाग में आए और आपका सेंसरी ऑर्गन्स अगर एक्टिव हो जाए तो आप नोटिस करो कि आपका जो दिमाग है वो बंद हो जाता है, थॉट्स रुक जाते हैं। थॉट्स रुके तो कॉन्शियसनेस रुकी, अवेयरनेस रुक जाती है और आपका दिमाग बंद हो जाता है और आपके सेंसरी ऑर्गन्स आगे आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम टेस्टी खाना खाते हैं तो जब हमारा पेट भर जाता है तो हम बोलते हैं यार पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। तो इसका क्या मतलब है, पेट भर गया मन नहीं भरा? तो मन कब भरेगा? मन की कोई लिमिट है? मन की कोई लिमिट है? दुनिया के जितने भी रेस्टोरेंट आपको खाना खिला दूँ, पेट तो आपका चुटकियों में भर जाएगा, मन भरेगा नहीं। तो मन क्या हुआ यहाँ पे? सेंसेस हुए,
सेंसेस कभी नहीं भरेंगे, सेंसेस आपके हमेशा एक्टिव रहेंगे। आप खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, पेट भर जाएगा, लेकिन मन जो है आपका नहीं भरेगा। क्योंकि जब आप टेस्ट के लिए खा रहे हो तो वो लस्ट हो गया, और जब आप पेट के लिए खा रहे हो तो वो लव हो गया। मेरी ये टॉपिक अलग है, इस पर कभी और आऊँगा, लेकिन मेरी बात को समझो। तो बेसिकली क्या है कि जब आप उस टेस्टी फूड में पूरा ध्यान लगा देते हो, जब आपको वो टेस्टी लगने लगता है तो आपकी आंखें, आपको पता है जब आप टेस्टी फूड खाते हो तो आपकी आंखें बंद हो जाती है, आंखें बंद हो जाती है तो आपका पूरा जो टेस्ट वाला जो सेंस है वो उसमें चले जाता है। सेंस इस तरीके से एक्टिव होता है कि आपका दिमाग जो है वो बंद हो जाता है, और वो चाहे मैं उसमें जहर घोल दूँ एक बार को तो, लेकिन आप खा लोगे। आपको बता दूँ कि आपके शरीर में जाके बहुत भयंकर नुकसान करेगा। हम रोज़मर्रा की चीज़ों में ऐसी चीज़ें खाते हैं फास्ट फूड, हमको पता है कि नुकसान करेगा, उसके बावजूद भी हम खाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग ठप हो चुका है जब हम ये खाते हैं, हमारे जो सेंसेस है वो एक्टिव हो जाते हैं। अब खाने में तो आपको सोचा आपका टेस्ट एक्टिव हो रहा है, टेस्ट वाला जो सेक्स है, जो आपका ये जो सेक्सुअल एनर्जी वाली चीज़ है, इसमें आपके पांचों के पांचों सेंसेस एक्टिव हो सकते हैं। सोचो तो इसमें कितनी है। इसलिए जो है सेक्सुअल थॉट्स काफ़ी पावरफुल होते हैं। तो जिम तो स्टार्ट कर ही दीजिए, फर्क आपको दिखने लग जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको बता रहा हूँ अवेयरनेस। तभी भी कभी भी आप ये खाना खाएं, कभी भी आपके दिमाग में सेक्सुअल थॉट्स आएँ, या कभी भी आप जो है कुछ करें, या कोई थॉट आपके दिमाग में आ रहा है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। यूजुअली हम जब पढ़ने बैठते हैं तो सारी जिम्मेदारियां तभी याद आती हैं, सारी जो ड्यूटीज़ हैं वो तभी याद आती है जब हम पढ़ने बैठते हैं। तो उन पर सोचो कि थॉट आ कैसे रहा है। सेक्सुअल थॉट आया दिमाग में, आपने इंस्टाग्राम पे किसी की मॉडल की फोटो देखी या कुछ भी देखा, सेक्सुअल थॉट आपके दिमाग में आया तो उसको ऑब्जर्व करो कि थॉट अब एनर्जी में कैसे बदलता है। और जैसे ही आप फोकस अपने थॉट पे डाल दोगे थॉट चल जाएगा। एक बार जैसे ही थॉट दिमाग में आए कि जैसे ही आप किसी की पिक देख रहे हो या कोई वीडियो देख रहे हो जिसकी वजह से सेक्सुअल थॉट आ रहा है, तो उस पिक देखते देखते ऑब्जर्व करो कि आपके दिमाग में इसको देखते क्या होता है, क्या ऐसी चीज़ है जो दिमाग देखना चाहता है, पकड़ना चाहता है और करना चाहता है। जैसे आप अपना फोकस अपने थॉट पे डालोगे थॉट उड़ जाएगा। ये दिमाग को सबसे बड़ी जो डर, दिमाग डरता है आपके अवेयरनेस से, आपके कॉन्शियसनेस से। क्योंकि जैसे ही आपने अपने माइंड को उस पर डाला, ऑब्जर्व किया, थॉट गया, और थॉट गया तो आपके सेंसरी ऑर्गन्स एक्टिव नहीं होंगे। सेंसरी ऑर्गन्स तभी एक्टिव होंगे जब आपका दिमाग बंद होएगा, और दिमाग आपका जब आगे आ गया तो सेंसरी ऑर्गन्स पीछे हो जाएंगे। क्योंकि यूजुअली लॉ ऑफ नेचर यही है कि दिमाग आपका जो है, ये आपके जो घोड़े हैं, जो आपके सेंसेस हैं, इनको पकड़ के रखेगा। उल्टा ये हो रहा है कि हम जो है सेंसेस को आगे ला रहे हैं और दिमाग जो है वो पीछे जा रहा है। मतलब सेंसेस जो है दिमाग को कंट्रोल करके रख रहे हैं, दिमाग जो है वो पूरी तरीके से इनका गुलाम बन चुका है। इसलिए कहते हैं ना कि माइंड इज द ग्रेटेस्ट फ्रेंड एंड ग्रेटेस्ट एनिमी। इस वजह से आप आधे लोग जो हैं दुनिया में, आधे, क्या मैं एग्जाम प्रिपरेशन की बात करूँ तो मोस्ट ऑफ द पीपल दूसरों से लड़ने से नहीं हारते, खुद से हार जाते हैं वो। क्योंकि उनको खुद को मैनेज करना नहीं आ रहा, खुद की सेक्सुअल थॉट से, खुद की टाइम वेस्ट करने से ही वो फंस जाते हैं और एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते। फिर वो कहते हैं टाइम का एक्सक्यूज़ था, सिलेबस बहुत ज़्यादा था, टाइम नहीं मिला, वो नहीं था, फ्रेंड्स डिस्टर्ब करते थे, जिम्मेदारियाँ थी। अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, जब भी आप जिम करके आएंगे, इंटेंस एक्सरसाइज करेंगे, फील करो। जैसे ही इंटेंस एक्सरसाइज हुई, फील करो आपके शरीर में क्या चल रहा है। आपको लगेगा बिल्कुल आप पूरे शरीर को महसूस कर पा रहे हो, ब्लड फ्लो हो रहा है, आप बिल्कुल फोकस कर रहे हो, और उसी टाइम आपके दिमाग में कोई सेक्सुअल थॉट आएगा ही नहीं क्योंकि आप अभी फोकस कर रहे हो। और जब मैंने कहा ना कि जब आप अवेयरनेस में रहते हो, जब आप अवेयर कर, जब आप पूरी तरीके से होश में रहते हो, तब आपके दिमाग में थॉट आएगा ही नहीं। और आ भी गया तो आप उसको भाव नहीं दोगे, उस पर एनर्जी जाएगी नहीं। किसी ने कुछ बोला या फिर किसी ने आपको कुछ फोटो दिखाई तो उस चीज़ पर जाएगा ही नहीं। कभी भी हम मूवी वगैरह देख के आते हैं थिएटर वगैरह में, तो मूवी देखते समय यही हालत होती है कि जो हमारे सेंसेस होते हैं, आई वाला और जो स्किन वाला जो सेंस है एक्टिव हो जाता है, सुनने वाला भी। सेंसेस को जब मूवी पकड़ लेती है आपके, तो आपको जहां वो जिस फ्लो में लेके जाना चाहे वो लेके जा सकती है मूवी। तभी तो म्यूज़िक आपको जो है आपको गुस्सा भी दिला सकता है, कैसा भी म्यूज़िक अच्छा हो तो आपको खुशनुमा भी बना सकता है। ये सब होने के बाद जब आप मूवी थिएटर से बाहर आते हो, तब आप कितनी ही अच्छी मूवी देखे हो, आप कितनी ही खुशी वाली, हैप्पीनेस वाली मूवी देखे हो, आपको एकदम से उदासी होने लग जाती है। होता ही नहीं होता थिएटर के बाहर आके, लग जाता है सब कुछ जो है बोरिंग सा होने लग गया। क्यों?
क्योंकि आपके सेंसेस को जो है उस टाइम पकड़ रखा था और आपकी सारी एनर्जी जो है मूवी में चली गई। अब आप जब होश में आए हो तब आप काम हो चुके हो। ये बात जो है यहाँ लागू होती है कि मूवी चाहे वो कोई, अब मूवी थिएटर की फ़ोन में जो आप देख रहे हो, चाहे फोटो देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, आपके सेंसेस को जकड़ के रखती है और जब आप फोकस करते हो तो थॉट्स अपने आप चले जाएंगे। कोशिश कीजिए, आज से मेडिटेशन वगैरह करने की कोशिश कीजिए, ध्यान रखिए, होश में रहिए, जब भी कोई थॉट आए उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। जब आप हंसते हैं, जब आप पढ़ते हैं तो देखिए दिमाग में क्या चल रहा है। अब लोगों की प्रॉब्लम ये होती है, सबसे बड़ी एक तो पढ़ने में मन कैसे लगाए। चलो ठीक है, आपने जो है सेक्सुअल थॉट्स को दूर कर दिया, सेक्सुअल थॉट्स नहीं आएंगे, लेकिन पढ़ेंगे कैसे? पढ़ने में सेंसेस तो अटैच हो ही नहीं रही। तो आपने कहा कि जो सेंसेस अटैच होएगी तभी तो इन्जॉयमेंट मिलेगा, तो पढ़ने में इन्जॉयमेंट कैसे मिलेगा फिर? जहाँ आपने सेंसेस अटैच कर दी ना, वो चीज़ आपको केवल शॉर्ट टर्म प्लेजर दे सकती है। इसलिए पढ़ाई में कभी भी आपके सेंस अटैच नहीं होते, क्योंकि पढ़ाई आपको शॉर्ट टर्म प्लेजर नहीं देती, पढ़ाई आपको हमेशा लॉन्ग टर्म प्लेजर देती है। पढ़ाई आपको सेटिस्फैक्शन देती है, कंटेंटमेंट देती है। सेक्सुअल एनर्जी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती। कितना ही टेस्टी फूड खा लो, कितनी मूवीज़ देख लो, क्या कह सकते हो कि ठीक है ये मेरी लास्ट मूवी थी, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा? क्या आप कहते हो कि ये मेरा लास्ट फूड था, अब मैं ये खाना कभी नहीं खाऊँगा? कहते हो आप अभी, लेकिन एक बार आप कोई बुक को पढ़ लेते हो तो आप कहते हो ठीक है अब मैं इस बुक को नहीं पढ़ूंगा, अब मैं इस चीज़ को वापस नहीं पढ़ूंगा। कोई आप स्टोरी सुनते हो, कोई नॉलेज की चीज़ पढ़ते हो तो आप कहते हो कि ठीक है। दोबारा किसी बुक को पढ़ते हो आप? नहीं। क्यों? क्योंकि परमानेंट कंटेंटमेंट मिल गया। तो पढ़ाई में कभी भी आपके सेंसेस अटैच नहीं होंगे, तो इन्जॉयमेंट आपको पढ़ाई में नहीं मिलेगी। पढ़ाई में आपको जो चीज़ मिल सकती है वो है जॉय। मैं यहाँ पे इन्जॉयमेंट और जॉय में बहुत फ़र्क समझता हूँ। जो यहाँ पर आनंद आनंद की बात कर रहा हूँ। देखो, जो आदमी खुश है ना वो दुखी भी हो सकता है, जो आदमी ना आशा कर रहा है उसको निराशा भी हो सकती है, जो आदमी दुखी भी है वो, जो आदमी खुश भी है उसको गुस्सा भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हर चीज़ का अपोजिट है यहाँ पे। आप हंस रहे हो तो आप रोते भी हो, लेकिन आनंद जो वर्ड है उसका कोई अपोजिट नहीं है। आनंद, जोए का मतलब क्या है? आनंद। इन्जॉयमेंट का मतलब क्या है? मज़ा करना। तो मज़ा है तो कल सजा भी है। आप मजे के लिए कुछ कर रहे हो तो आपको सजा भी मिलेगी, आपको कुछ अगर अपने लिमिट से बाहर जाते हो। लेकिन आनंद की मैं बात करूँ तो उसका कोई अपोजिट वर्ड है ही नहीं। तो पढ़ाई में आपको मिलेगा जोए, आनंद, तब जब आपके, एक तो आपके सेंसेस कभी भी अटैच होंगे ही नहीं पढ़ाई से, तब होंगे कि जब आप खुद को ऑब्जर्व करो। कोशिश ये करो कि आप डिबेट्स में पार्टिसिपेट करो, क्यूरियोसिटी अपने अंदर जगाओ, और जब आप जिम वगैरह मेडिटेशन वगैरह करोगे ना तो पढ़ाई में अपने आप आपकी इच्छा जग जाएगी, क्योंकि आप अवेयरनेस रहने लग जाओगे, अवेयर होने लग जाओगे। जब होश में रहोगे तो पढ़ाई जब आप करोगे तो आपको आपके दिमाग में थॉट्स आएंगे नहीं, और पढ़ाई जब आप होश रहते हुए करोगे तो आपकी क्यूरियोसिटी जग जाएगी। रिक्शा में बैठते ही आप सोचोगे कि रिक्शा को इन्वेंट किसने किया, ऐसी क्यूरियोसिटी आपके दिमाग में आ जाएगी। तो शुरुआत जो है यहीं से होनी चाहिए। हमारी सबसे बड़ी एजुकेशन पॉलिसी की जो फेलर है वो यही रही है कि हमको जो है बचपन में बातें बताई नहीं, सिखाई जाती, और बच्चे जब बड़े होते हैं धीरे धीरे कॉलेज में जाते हैं तो ये जो है इन चीज़ों से मुक्त हो नहीं पाते। बड़े होते जाते हैं, नौकरियां करते हैं, तब भी जो है इन चीज़ों में फंसे रह जाते हैं, और वो कमाते भी इन चीज़ों के लिए ही हैं, तो उनका जो है लॉन्ग टर्म उनको प्लेजर नहीं मिल पाता। हमारे देश में जिस तरीके से अभी डाटा आया कि भारत में सबसे ज़्यादा पोर्न कंज्यूम होती है, पोर्न वीडियोज़ जिस देश में देखी जाती है सबसे ज़्यादा, वो डाटा आया था भारत की। शर्मनाक बात है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे स्कूल में इतनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ नहीं होती, हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स का इतना प्रचलन नहीं है। हमारे बच्चे घर में रह जाते हैं और घर में ही पढ़ते रहते हैं, घर में ही जो है खेलते रहते हैं, टीवी, फ़ोन, गेम्स वगैरह, घर में इंडोर गेम्स। उससे एनर्जी फ्लो नहीं हो पाती, एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो पाती, फिर एनर्जी जाए कहाँ? सेक्सुअल थॉट्स में जाएगी। और आजकल आप देखो कि 10, 12 साल के, 13 साल के बच्चे भी जो है सेक्सुअली एक्टिव होने लग गए, उनके दिमाग में सेक्सुअल थॉट्स आने लग गए। मैंने महसूस किया है, मैंने देखा है बच्चों को, क्योंकि डाटा फ्री है, फ़ोन सबके पास है, एडवर्टाइजमेंट्स दिख जाते हैं, इंस्टाग्राम सब चलाते हैं। तो एनर्जी अगर ढंग से यूटिलाइज हो जाए स्कूल में, कॉलेज में, पढ़ाई में, एक्सरसाइज में या मेडिटेशन में, तो ध्यान उस चीज़ पर जाएगा ही नहीं। तो ध्यान, एनर्जी को यूटिलाइज करना है, सप्रेस नहीं करना। सप्रेस आप कभी ज़िंदगी में कर ही नहीं सकते। आप खुद एक एनर्जी हो, आप कैसे जो एनर्जी को सप्रेस करोगे?
मैं बोल रहा हूँ ये एनर्जी, आप सुन रहे हो? आप एनर्जी एनर्जी को सुन रहे हो? एनर्जी को मैं बोल रहा हूँ, एनर्जी को कभी आप सप्रेस नहीं कर सकते। एनर्जी केवल और केवल यूटिलाइज हो सकती है। और कोई आदमी अगर जिम नहीं भी कर सकता, उसको बॉडी में प्रॉब्लम है या फिर कोई दिक्कत है, तो कोशिश कर सकता है मेडिटेशन करने की। या सद्गुरु जो ईशा साउंड्स है, आप यूट्यूब पे सर्च मारिए साउंड्स ऑफ ईशा। मैं कोशिश ये करता हूँ सोने से पहले कि वो साउंड्स को सुनता हूँ करीब 10-15 मिनट। खूब सारे सॉन्ग्स हैं, खूब सारे म्यूजिक है, मैं लिंक दे दूंगा। तो वो अच्छे एक फ्लूट की उस इंस्ट्रूमेंटल इंस्ट्रूमेंटल उनमें जो है फ्लूट की जो है साउंड रहती है, और बहुत प्यारी रहती है। इतनी प्यारी रहती है, जब आप रात को सोने से पहले सुनेंगे तब आपका शरीर जो है उसी तरीके से एक्टिव हो जाएगा, आपको डांस करने की इच्छा होएगी और आपका दिमाग पूरी तरीके से उसी में चले जाएगा। तो एनर्जी फिर उस दिशा में यूटिलाइज हो जाएगी। तो सेक्सुअल थॉट्स लाने से बेहतर है ना कि आप ऐसे म्यूज़िक सुन के ही जो है काम चलाएं। तो जरूरी नहीं है रात को ही, जब आप फ्री हो जाएं, ब्रेक लें, जब आपका मन नहीं लग रहा, तो आप इन म्यूज़िक को सुनिए। कंसंट्रेट आपका अपने आप उस म्यूज़िक पर हो जाएगा, आपका म्यूज़िक वो म्यूज़िक जो इतना पावरफुल है कि आपको जो है वो अपनी दिशा में लेते हुए चले जाएगा। तो एनर्जी को उस दिशा में, ये बात हो गई ना, बेटर टेस्ट, बेटर टेस्ट। अभी आपको लग रहा है कि सेक्स जो है वो सबसे अच्छी चीज़ है, सेक्सुअल थॉट्स जो हैं वो आपको काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि आपको इससे बेटर टेस्ट मिला ही नहीं। पहले मैं जब छोटा था तो मुझे लगता था कि जब मैं 8th या 9th क्लास में था कि साइकिल आ जाए, साइकिल मेरे दोस्तों के पास अच्छी अच्छी साइकिल थी, तो सॉकर वाली साइकिल जिसको बोलते थे, मुझे लगता था साइकिल मेरे पास भी होनी चाहिए। पापा ने दिलाई, बहुत जिद्दी जिद किया मैंने, मुझे लगा साइकिल आ गई दुनिया, अब तो जो है मेरी हो गई, अब तो साइकिल चलाऊंगा मैं। बस बोर हो गया साइकिल से, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, बड़ा हुआ कॉलेज में आया तो बाइक मांगी, बाइक भी लगता था यार बाइक मिल जाए, बाइक मिल जाए मज़ा आ जाएगा, बाइक को इधर उधर घुमाऊंगा दोस्तों को लेके जाऊंगा। बाइक भी आ गई, बाइक से बोर हो गए, अब 4-व्हीलर से भी बोर हो जाऊंगा, फिर एक दिन जो है किसी और चीज़ की इच्छा होगी तो उससे भी बोर हो जाऊंगा। 4-व्हीलर में भी मान लो 10 लाख की गाड़ी लिया है तो सोचूंगा 1 करोड़ की गाड़ी लाएंगे, 1 करोड़ की गाड़ी लिया है तो सोचूंगा 1 करोड़ की 10 गाड़ी आएगी, हर दिन जो है नई गाड़ी लेके जाऊंगा। तो ये चीज़ें कभी रुकने वाली है क्या? नहीं, ये चीज़ें कभी नहीं रुक सकती, क्योंकि ये सब सेंसेस पे बेस्ड है। बेटर टेस्ट आपको चाहिए ही चाहिए। साइकिल से आपका मन भर गया तो आपको मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल से आपका मन भर गया तो 4-व्हीलर चाहिए। इस चीज़ को आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो कि आप जो है ऐसी चीज़ में दिमाग लगाओ, ऐसी चीज़ करो जो आपको पूरी तरीके से बांध लें। इसलिए कहा जाता है कि अपनी मनपसंद की चीज़ करो। जब आप अपनी मन की पसंद की, जब आप पेंटिंग करते हो, जब आप सिंगिंग करते हो, आपको कुछ और पसंद है तो कुछ और करते हो। जैसे किसी को, मेरे को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पसंद है, हालांकि कभी मौका नहीं मिला, लेकिन मैं जो वाइल्ड एनिमल्स उनको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता हूँ। मतलब मेरा उससे बेटर चीज़ मुझे लगती नहीं, खो जाता हूँ उनमें मैं। जब आप ऐसी चीज़ें करते हो तो आपका दिमाग उन चीज़ों में जाएगा ही नहीं, सेक्सुअल थॉट्स में, क्योंकि आपकी जो टेस्ट आपको बेटर मिल गया, उससे टेस्ट अच्छा आपको मिल गया, समझ रहे हो? तो कोई भी चीज़ आप जब कर रहे हो तो उसमें देखो कि जब आप एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हो कि वो सही तरीके से यूटिलाइज हो की रही है नहीं हो रही, कि क्या सेंसेस आपके इसमें इन्वॉल्व है, क्या आप इसमें अवेयर हो, फोकस्ड हो। तो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, आज से अभी से जिम स्टार्ट कीजिए, एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट कीजिए, और मेडिटेशन में बिल्कुल स्लो रह के जो है ब्रीथ को ऑब्जर्व कीजिए, सांस को ऑब्जर्व कीजिए। जब आपको गुस्सा है, जब आप हंसें, खाली बैठे रहें, तो कोशिश कीजिए कि सांस किस कदर चल रही है, गहरी सांसें एक बार आप एक बार क्या कीजिए, गहरी सांस लीजिए 10 बार, बहुत गहरी, मतलब आपकी नाभि तक वो जो है सांस आ जाए, आपकी नाभि तक एनर्जी आ जाए। उसके बाद देखिए आपके शरीर में क्या एनर्जी आती है, आपका शरीर ढीला हो जाएगा, आप बिल्कुल खुल जाओगे। ये सोचो आपने हर दिन किया तो कितनी पावरफुल ये चीज़ होगी। तो स्टार्ट कीजिए, अभी से कीजिए, वरना जो है मार्केट को, इस दुनिया को, इस ब्रह्मांड को किसी की परवाह नहीं है। आप जो है बहुत एक टिनी हम ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया के सामने, और पछतावे की कोई जगह नहीं है इस दुनिया में। आप रिग्रेट करते रह जाएंगे, और रिग्रेट इज़ द बिगेस्ट पॉइजन ऑन अर्थ। आप जो है हार सकते हैं, हारना मंजूर है, लेकिन पछतावा करना मंजूर नहीं है कि मैं उस टाइम पढ़ लेता, सेक्सुअल थॉट से बाहर हो जाता तो अच्छा रहता। ये पछतावा अगर हो गया तो आपको ज़िंदगी भर चुभेगा, कितना ही पढ़ लो। तो हमेशा 100% दो, अपने एफर्ट्स जो है 100% लगाओ, ताकि बाद में रिग्रेट ना हो कि काश मैं ये चीज़ें क्यों किया, मैंने ये क्यों किया, मैं मूवी देखने क्यों गया, मैं सेक्सुअल थॉट्स में क्यों इंडल्ज रहा था, है ना? तो अब जो है एनर्जी अच्छे से यूटिलाइज करनी है।
अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो आप ये देखो इंटरेस्ट आपका कहाँ आ रहा है। जब आपका इंटरेस्ट जहाँ आ रहा है वो काम कीजिए, जब आप उससे बोर हो जाएंगे तो अपने आप पढ़ाई पे आ जाएंगे क्या मुझे पढ़ना है, क्योंकि हर चीज़ से आप जल्दी बोर हो ही जाएंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई करें, आप जो है पूरे दिन भर आपका मनपसंद काम भी कर सकते हैं, लेकिन गलत जगह एनर्जी नहीं जाए। ठीक है, कोई अगर क्वेरी हो आपकी तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।